अगर आप भी रिंकू सिंह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, रिंकू सिंह की बल्लेबाजी को देखकर तो क्रिकेट के बड़े से बड़े खिलाड़ियों ने सलाम कर दिया है, यहाँ तक कि भारत के कप्तान को तो ट्वीट तक करना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा, विराट कोहली से लेकर युवराज सिंह और धोनी तक जैसे खिलाड़ियों ने क्या कह दिया रिंकू सिंह की इस धाकड़ लास्ट ओवर की बैटिंग पर, आपको सबका बयान दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रिंकू सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम में एक मौका देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 का टूर्नामेंट तो यकीन मानिए आज से ही शुरू हुआ है, क्योंकि आज इतना बड़ा धमाकेदार मुकाबला खेला गया कि सारे मुकाबले इसके आगे बोने लग रहे हैं। आईपीएल 2023 का यह 13वां मुकाबला था दोस्तों, जो केकेआर और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में खेला गया। अब तक जीत के घोड़े पर सवार गुजरात टाइटंस ने एक भी हार नहीं देखी, और दोस्तों हार देखी तो ऐसी कि देखकर हर किसी के पसीने छूट गए। दोस्तों, मुकाबला ऐसा था कि अंतिम गेंद तक दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां चबाए रखी। ये मुकाबला शुरू हुआ गुजरात की धाकड़ बल्लेबाजी से, जहाँ पर दोस्तों रिद्धिमान साहब भले ही फ्लॉप थे, लेकिन शुभमन गिल के 39 रन और साई सुदर्शन के 53 रन अच्छी खासी बढ़त दिला चुके थे इस टीम को। 15 ओवर तक ये टीम 150 तक भी पहुंची, और फिर तूफान आया विजय शंकर का। दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड विजय शंकर ने ऐसी बैटिंग करी कि जिनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, वो भी 24 गेंदों में 4 चौके 5 छक्के जड़कर 63 रन बना चुके थे। दोस्तों, यही पारी गुजरात की टीम को 204 तक ले गई, और 205 रन का लक्ष्य मिला दोस्तों कोलकाता की टीम को। लक्ष्य छोटा नहीं था, इसके लिए बड़ी पारियां और बड़ी पार्टनरशिप्स भी चाहिए थे। उल्टा दोस्तों, केकेआर की टीम की शुरुआत तो उनके खिलाफ ही चली गई। 28 रन तक टीम के दो सबसे बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन आज आखिरकार केकेआर का सोया हुआ शेर जागा, और 40 गेंद में इस खिलाड़ी ने 283 रन जड़ दिए 5 छक्के व 8 चौकों की मदद से। दोस्तों, बात करें वेंकटेश अय्यर की, इनके साथ साथ दोस्तों नीतीश राणा भी 45 रन लगा गए, लेकिन अभी भी जीतने के लिए एक बड़ी व तूफानी पारी की दरकार थी, क्योंकि दोस्तों राशिद खान एक ही झटके में रसल को आउट कर देते हैं, सुनील नारायण का भी विकेट लेते हैं, और शार्दुल ठाकुर का भी। जीतने का कोई चांस नहीं था। मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंचा, 5 गेंद में 28 रन चाहिए थे, और तभी दोस्तों रिंकू सिंह के बल्ले से निकलते हैं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि 5 कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार सिक्सेस, एक के बाद एक छक्के लगते जाते हैं दोस्तों, और हर कोई रिंकू सिंह की बल्लेबाजी का दीवाना हो जाता है। पांड्या जो स्टैंड में बैठकर नाखून चबा रहे थे, उन्हें यकीन नहीं होता कैसे जीती हुई बाजी वो हैट्रिक के बाद भी हार गए। रिंकू सिंह की बात करें दोस्तों, तो इनका स्ट्राइक रेट 250 से ज्यादा था। इन्होंने 21 गेंदों के अंदर 6 छक्के लगाए, 1 चौका जड़कर 48 रन की नाबाद पारी खेली, और अंतिम गेंद पर 3 विकेट से अपनी टीम को जिताकर गए। रिंकू सिंह की इसी पारी पर दोस्तों दुनिया ने उन्हें सलाम ठोका है, लेकिन क्रिकेट के दिग्गजों ने क्या कहा, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, भारत के करंट कप्तान यानी कि रोहित शर्मा ने रिंकू के लिए लिखा, आईपीएल एक ऐसा मंच है जहाँ पर हर युवा को मौका मिलता है, लेकिन केवल कुछ ही उस मौके को अपना पाते हैं, भारतीय टीम में शामिल हो पाते हैं। रिंकू सिंह, आपकी पारी को सलाम है, ऐसी बल्लेबाजी मैंने महीनों क्या सालों में पहली बार देखी है, आप जल्द ही इंडियन टीम का हिस्सा बनेंगे। तो मैं दोस्तों, विराट कोहली ने भी लिखा, रिंकू सिंह काश आप हमारी टीम का हिस्सा होते, आज आपकी बल्लेबाजी को देखकर दिल ही खुश हो गया, क्या बैटिंग करी आपने, आपके वो 5 छक्के क्रिकेट में हमेशा याद किए जाएंगे। ऐसी पारी युवा बल्लेबाज के बल्ले से निकले तो देश के लिए और भी ज्यादा खुशी होती है कि हमारा भविष्य कितना उज्जवल है, आप खुशी मनाइए, एंजॉय कीजिए। यहाँ तक कि दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी तक ने रिंकू सिंह की तारीफ करते हुए कहा, लगता है कि आप तो सबका रिकॉर्ड तोड़ देंगे रिंकू चेस करने के मामले में, अंतिम ओवर में ऐसे चेस करने में कितना प्रेशर लगता है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, और अगर आप उस प्रेशर को इतने अच्छे से झेल रहे हैं, मतलब कि आप में वाकई में कुछ खास है जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों छक्कों के किंग यानी कि युवराज सिंह ने भी कहा, रिंकू सिंह शायद अगर आपकी जगह मैं होता तो ऐसी फिनिश तो मैं भी नहीं कर पाता, 6 छक्के लगाना एक ओवर में आम बात है, लेकिन 5 छक्के तब लगाना जब जीतने के लिए वहां से 5 छक्के चाहिए हो, इसके लिए जिगरा चाहिए, इसके लिए काबिलियत चाहिए जो आप में कूट कूट कर भरी है, उम्मीद है आप ऐसी ही बैटिंग करते रहेंगे। दोस्तों रिंकू सिंह के सजदे में पूरी दुनिया झुक चुकी है, हर कोई उनकी जमकर तारीफ कर रहा है, उनके 5 गेंद 5 छक्के पूरी दुनिया में सराहे जा रहे हैं, लेकिन आप सभी उनके छक्कों को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।